तो इंट्रो है पहले भी मैं एनिमल मूवी का, बहुत प्यारा गाना, और पियानो में बजा हुआ इंट्रो है जिसको कि हमने गिटार में प्ले किया हुआ है। तो किस तरीके से प्ले किया है, आओ इसको देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो ये गाना जो है, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको ये सी शार्प मेजर की स्केल का है, और फिलहाल मैंने इसको सी मेजर की स्केल में बजाया हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कैपो इसको 12th फ्रेट पे लगाया हुआ है। तो ये जो गाना है अभी मैं सी मेजर की स्केल में बजा रहा हूँ 12th फ्रेट में कैपो लगा के। तो मैंने यहाँ पे कैपो क्यों लगाया, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, और मैंने इस गाने को सी मेजर की स्केल में क्यों बजाया इसको भी हम समझते हैं। देखिए, क्योंकि ये गाना जो है, अगर सी शार्प मेजर की स्केल में मैं प्ले करूँ तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कैपो नहीं लग पाएगा। मैंने यहाँ पे 12th फ्रेट में कैपो इसलिए लगाया है क्योंकि इसको मैं सी मेजर की स्केल में प्ले कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 12th में लगाया है। अगर मैं इसको 13th फ्रेट में लगाने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे सी शार्प मेजर की स्केल में बजा सकता हूँ। देखिए, तो सी शार्प को ओपन मतलब यहाँ पे प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पर को कॉर्ड्स बजानी पड़ेंगी और कैपो यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात इसको समझो आप, तो कैपो यहाँ लगता नहीं है क्योंकि ये जो एकॉस्टिक गिटार होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक में तो लग सकता है, एकॉस्टिक गिटार में आपकी 14th फ्रेट से आपका बॉक्स शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर को जो है कि आपका जो कि नेक फिनिश हो जाती है, तो यहाँ पे कैपो अगर आप कोशिश करेंगे तो लग नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहली बात इसलिए यहाँ पर मैंने सी मेजर की स्केल में प्ले किया, पहली बात इसको आप समझिए। तो अगर मैं इसको सी शार्प मेजर में प्ले करना चाहूँ तो यहाँ पे तो कैपो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कैपो लगा के ये आपका सी मेजर कॉर्ड होता है। देखिए इसको अब यहाँ समझना, ये आपका सी मेजर कॉर्ड होता है, तो ठीक है, सेम चीज़ को हम यहाँ भी बजा सकते हैं। देखो, ठीक है, लेकिन देखो अब क्या अंतर आ रहा है, जो ओरिजिनल पिच है पियानो में बजा हुआ वो हाई पिच है, ठीक है, और ये लो पिच है। अगर हम इसको यहाँ पे अब इस इंट्रो को बजाते हैं तो इसमें जो फील है गाने का, जो हाई पिच के जो नोट लगे हैं वो फील नहीं आएगा भैया मेरे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया है। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्यों प्ले किया है, और सी शार्प मेजर में प्ले करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे सी में बजा रहे तो इसको कैपो लगा देंगे, तो यहाँ पे सी शार्प मेजर आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो वही बात है, सी शार्प में तो बज रहा है लेकिन लो पिच में बज रहा है, तो लो पिच में इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सी मेजर में बजाया हुआ है ताकि इसको मैं हाई पिच में यहाँ बजा सकूँ कॉर्ड के थ्रू। इस बात को याद रखिएगा, कॉर्ड के थ्रू। तो मैं इसको सी शेप की कॉर्ड में प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे कैपो लगाया है और सी मेजर की कॉर्ड का यूज किया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो तो मेरी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी टाइप की बात है। तो अगर मैं इसको सी शार्प मेजर में बजाऊं तो मैं यहाँ पे कैपो नहीं लगा सकता हूँ, मुझे यहाँ कैपो लगा के सी शार्प मेजर बजाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पिच लो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको सी शार्प मेजर में यहाँ पे नहीं बजाया। अगर बाय चांस मान लो, यहीं पे अब एक नई बात आती है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी, अगर बाय चांस मैं इस गाने को सी शार्प मेजर में ही बजाना चाहता हूँ और यहाँ पे कैपो लगा के बजाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गिटार को, अभी ये ई में ट्यून है, इसको हर स्ट्रिंग को हाफ हाफ नोट टाइट करके F में ट्यून करना पड़ेगा। तो F, ठीक है, C, G शार्प, D शार्प, A शार्प और F में स्ट्रिंग्स आपकी ट्यून हो जाएंगी। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कैपो लगा देंगे 12th फ्रेट में, तो उसके बाद आप सी शार्प मेजर को बजा सकते हैं, और ये जो आपका सी मेजर कॉर्ड है उसमें ये भी आपका सी शार्प मेजर हो जाएगा। अभी मैं इसको करके नहीं दिखा सकता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपको सी शार्प मेजर कॉर्ड प्ले करनी है और सी शार्प मेजर में ही इस गाने को बजाना है कैपो लगा के, तो आप यहाँ पे इसको एफ में चढ़ा सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ये उसी गिटार में कर सकते हैं जिस गिटार की क्वालिटी अच्छी हो, ब्रांडेड हो, क्योंकि और स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो लोकल गिटार में और जो नॉर्मल गिटार होते हैं लो क्वालिटी के, लो रेंज के, वो उसी स्ट्रिंग्स से टूटी जाएंगे एफ तक ले जाने में। कई गिटार्स में तो ई में भी ले जाने में दिक्कत होती है, अगर गिटार बैंड है, स्ट्रिंग्स उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्शन हाई है उसका, तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है कि इसको आप सी मेजर में प्ले करिए इस गाने को, क्योंकि हाई है वैसे भी, हाई पिच का गाना है, आगे जाके सी शार्प में वैसे भी इसको गाना नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं होगा, तो इसको आप सी मेजर में भी बजा सकते हैं। तो अगर सी शार्प में, फिर से बता रहा हूँ, सी शार्प में अगर आप इस गाने को बजाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एफ में चढ़ा के फिर आप इसको बजा सकते हैं, ताकि आप इस सेम ट्यून को यहाँ प्ले कर सकें। लेकिन अगर नहीं, आप ऐसा नहीं करना चाहते, सी शार्प में ही बजाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लो में ही इसको प्ले करूं, तो सेम चीज़ को आप यहां पे कैपो लगाओ और यहां पे उसको बजा लो।
ठीक है, तो आपका सी शार्प मेजर में बच जाएगा। दूसरा चीज़, इसको मैंने आपको अभी कॉर्ड्स में प्ले करके दिखाया क्योंकि आसान होगा, ये आप लोगों के लिए भी आसान होगा जिसको लीड नहीं आती है। अब मैं इसको लीड में प्ले करके दिखाता हूँ कि अगर आप इसको लीड के थ्रू प्ले करेंगे तो, क्योंकि मैं अभी इसको सी में प्ले कर रहा हूँ तो मैं सी के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट से मैं शुरू कर रहा हूँ, लीड में भी बजी है तो आप इसको लीड में भी प्ले कर सकते हैं, और चाहें तो सेकंड स्ट्रिंग की सिक्स्थ फ्रेट से बजा के इसको सी शार्प में प्ले कर सकते हैं, जिसका ओरिजिनल पिच है, ओरिजिनल पिच है इसका, ये देख लो ये। तो सेम चीज को आप यहां से भी प्ले कर सकते हैं, तो ये हाई पिच में सी शार्प का इसका ओरिजिनल स्केल में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, इसको देखिए। ये मेरा पहला पार्ट है इस गाने के का, जो कि मैं इंट्रो में बता रहा हूँ। दूसरे पार्ट में इस गाने की मैं कॉर्ड्स आपको बताऊंगा, बाकी आप मेरी फिंगर्स देखिए, समझिए कि मैं कहाँ कहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। कॉर्ड का मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने प्ले की हुई है। लीड का आप बजाना चाहें तो लीड का देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, आप लोग देखते नहीं है इतना लंबा, तो शॉर्ट में आप देख सके तो समझ लीजिए इसको। तो देखिए, तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने आपको जो है कि ट्वेल्थ फ्रेट में आपकी कैपो लगाई है, और उसके बाद जैसे आप सी कॉर्ड प्ले करते हैं ओपन में, वही शेप यहाँ पे बनेगा। लेकिन क्या करना है, देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन छोड़ना है, सेकंड स्ट्रिंग पे, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेट, देखिए हमारी फर्स्ट फ्रेट अब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से आपका पूरा गिटार डेड हो गया। तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आइडेंटिफाई करूँगा, उसमें आपको समझना भी आसान होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे की स्ट्रिंग को ओपन रखना है, सेकेंड स्ट्रिंग में के फर्स्ट फ्रेट में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट में आपको मिडिल फिंगर रखनी है। तो ये आपका पोजीशन आपको पहले बनाना है, फिर आपको फर्स्ट स्ट्रिंग पे मारना है एक बार, फिर उसके बाद रिंग फिंगर को आपको सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पर रख के मारना है, ओके। फिर आपको सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट के लिए मारना है, फिर वापस रिंग पे मारना है सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर नीचे की फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन मार देना है। तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रिंग का, थर्ड स्ट्रिंग में कोई सेकेंड फिंगर का थर्ड स्ट्रिंग में कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, अब इस वाले स्टेप में यूज़ होगा। तो देखो पहला स्टेप ये हो गया, अब सेकेंड पे आओ, सेकेंड वाले में क्या करना है, सेम बजाना है आपको, पहले की तरह इतना सेम बजाना है, चार नोट आपके सेम बजेंगे, दो तीन चार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर से ओपन में जाना है, तो इतना तो आपने पहले स्टेप में बजाया था, तो सेकेंड स्टेप में पहले इतना ही रिपीट करना है, फिर उसके बाद मारना है थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे मारा, फिर वापस आपने मार दिया सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट में, तो ये आपका सेकेंड राउंड पूरा हो गया। देखो थर्ड राउंड में क्या करना है आपको, जो थर्ड आपका पीस है, थर्ड आपका आगे को बढ़ रहा है, मैं राउंड का मतलब स्टेप का मतलब उसके आगे जोड़ते जा रहा हूँ, उसमें भी आपको पहले पांच नोट पहली स्ट्रिंग के पहले वाले मारने हैं, उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्ट्रिंग का ओपन बजाना है, थर्ड स्ट्रिंग का ओपन बजाना है, और सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट बजा देना है, ठीक है। बहुत ही प्यारी धुन है, बहुत ही प्यारी धुन, पियानो में तो मजा आ जा रहा है बजाने में, और पियानो का ही आप गिटार में भी यूज कर सकते हैं, आप गिटारिस्ट बजाते हैं तो, अगर आप गिटारिस्ट हैं तो, ठीक है। उसके बाद तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको, सेम स्टार्ट करना है, नीचे की फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग का ओपन एक बार, फिर थोड़ा सा होल्ड करके दो बार मार के ओपन स्ट्रिंग में, सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर ओपन में दो बार मार के, फिर थर्ड स्ट्रिंग की ओपन मार के एक बार, चौथी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, पांचवी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये धुन कैसे आएगी, वाह बहुत ही प्यारा बजता है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा। तो ये आपका हाई पिच का जो इसने प्ले किया है, फिर उसमें लो पिच में आ गया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको ऊपर प्ले नहीं किया हुआ, यहाँ पे प्ले किया हुआ है। इसमें अगले राउंड में देखो फिर यहीं से शुरू होगा, जहाँ पे हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे, फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट से शुरू करेंगे,
और फोर्थ स्ट्रिंग की ओपन स्ट्रिंग बजाएंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट बजाएंगे, ठीक है, वापस फोर्थ स्ट्रिंग की ओपन में आ जाएंगे, ए, चार नोट ऐसे हो गए, फिर फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट थोड़ा होल्ड, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग फ्रेट एट, सेकंड फ्रेट, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ठीक है, उसके बाद अगले राउंड में क्या करना है, अगले पार्ट में यहीं से शुरू करना है, सेम चीज, चार नोट पिछली लाइन की तरह, सॉरी, एक दो तीन चार पांच, पांच नोट पिछली राउंड की तरह, फिर चौथी स्ट्रिंग के ओपन में दो बार, अगली लाइन सेम है, दो बार इसको बजाना है, फिर उसके बाद वहीं से शुरू करना है, चौथी स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट से ओपन, थर्ड स्ट्रिंग का, फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, ठीक है, आ गया, चार नोट हो गए आपके, फिर पांचवा नोट आपको बजाना है फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट में, छठा नोट आपको बजाना है फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट में, ये पूरा ऐसे बन गया, फिर लास्ट नोट आपको बजाने हैं छठी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट ओपन और थर्ड फ्रेट में फिनिश, तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया। तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक बार बजा के दिखाई दिया, तो इसको आपको समझ में नहीं आया तो बार बार पीछे से रिवाइंड करके देखो, तो आपको मैंने नोट बाय नोट बताया कहाँ पर कैसे बजाना है, तो ये पीस आपका बहुत अच्छे से बज जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे बजाना चाहते हैं तो आप मेरी फिंगर्स को ट्रेस करिए कि मैंने किस तरीके से उसको बजाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं दोनों जगह बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कैपो आप लगा के यहाँ बजा सकते हैं इसको, सी मेजर में ही आप ट्राई करिए क्योंकि आपका लो पिच में भी आ जाएगा, सी शार्प में बजाना चाहते हैं तो यहाँ पे कैपो लगा के आप सेम चीज़ को जो आपने यहाँ बजाया है, सेम चीज़ों को फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट करके यहाँ पे भी आप बजा सकते हैं, अगर आप यहाँ बजाना चाहते हैं कैपो नहीं लगाना चाहते, सी शार्प में बजाना चाहते हैं तो कैपो यहाँ लगा के इसको बजा लिए। तो इस पार्ट को इन्जॉय करिए और इसको सीखिए, और मैं अगले पार्ट में मिलता हूँ इसकी कॉर्ड्स के साथ, इस गाने की बहुत प्यारा गाना है, और एक बार बता दूं कि आगे को बहुत ही नाइस इसमें जो है कि प्लकिंग के साथ आप इसको गा सकते हैं, और दो दो स्ट्रमिंग पैटर्न इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको मिलता हूं इसके दूसरे पार्ट में, अगर वहां पे भी लंबा लगेगा तो इसको हम तीन पार्ट में कवर करेंगे, तो मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में, ओके बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।